चलिए दोस्तों, ये क्लास है आपकी लॉ की। और जिन लोगों ने आज तक लॉ नहीं पढ़ा है, मैं उन्हें बता दूं कि आज के बाद उन्हें इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कोई नहीं लगने वाला। यस, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस। ठीक है जी, तो मुझे जरा एक बात बता दें फटाफट, कि आप ये बताएं मुझे कि आप रोड्स पर व्हीकल तो चलाते होंगे। बोली हाँ या ना? हाँ सर, जरूर चलाते हैं, क्यों नहीं चलाते? कोई कहेगा जी मैं बाइक चलाता हूं, कोई कहता है कार चलाता हूं। ठीक बात है। क्या ये रेड लाइट पर रुकते भी हैं आप? कुछ कहेंगे जी नहीं, जी नहीं, ये तो हमारा धर्म ही नहीं है, हम तो जंप करते हैं रेड लाइट हमेशा। लेकिन रेड लाइट जंप करने से भाई खतरे भी तो बढ़ जाते हैं, है ना? कुछ लोग कहेंगे नहीं जी नहीं, हम तो रेड लाइट का, इन रूल्स का पालन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का। क्यों करते हैं भाई? एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। और जरा सोचिए, आज तो इतना ट्रैफिक है इन रोड्स पर, क्या आपके दादा के जमाने में इतना ट्रैफिक रहा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, दादा परदादा के जमाने में इतना ट्रैफिक कहां था? तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा होगा, जरा बताइए क्या कुछ सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी होगी या नहीं? हाँ जी हाँ, जरूर पड़ी होगी। पहले जब साइकिलें चलती थी भाई, तो रूल्स भी नहीं थे, बैलगाड़ी चलती थी तो रूल्स भी नहीं थे। लेकिन जब सड़कें बनी, मोटर व्हीकल्स का नंबर बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट भी ज्यादा होने लगे होंगे भाई। तो सामने आ गई समस्याएं, प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम कौन सी? प्रॉब्लम्स आई कि एक्सीडेंट का नंबर बढ़ गया जी, एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ गया। तो फिर सॉल्यूशन लोगों ने क्या निकाला कि भाई अब तो इसके कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कि भाई जो भी ट्रैफिक का एक पार्ट है, यानी जो रोड पर चल रहा है, कोई व्हीकल चला रहा है, तो उसे इन नियमों को मानना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स बना दिए, लेकिन भाई रूल्स को कौन मानता है जब तक कि उन्हें कानून ना बना दिया जाए? ठीक बात है या नहीं? तो ट्रैफिक रूल्स की एक लंबी लिस्ट बनाई गई और एक रूल बुक तैयार हो गई। ट्रैफिक रूल्स की ये रूल बुक को क्या किया गया? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास करवाया गया। पार्लियामेंट में जब ये पास हो गया कि हाँ जी हाँ, ये लॉ बन जाना चाहिए, तो पार्लियामेंट में इन ट्रैफिक रूल्स को, इस रूल बुक को पास जब कर दिया गया, तो ये बन गया एक एक्ट। यानी ये रूल बुक क्या है? ट्रैफिक के रूल्स की एक बुक, पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसे क्या नाम दे दिया जाएगा? एक एक्ट। और ये एक्ट किस चीज का है भाई? मोटर व्हीकल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नाम रखा गया मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है जी। इसी तरह जरा सोचिए, जब बिजनेस में, बिजनेस के अंदर बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि फ्रॉड्स वगैरह शुरू हो गए होंगे, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। किसमें? कॉमर्स में, बिजनेस में लोगों ने फ्रॉड करने शुरू कर दिए, नुकसान करना शुरू कर दिया लोगों का। वादे तो कर लेते थे मगर पूरा नहीं करते थे, तो भाई इस तरह की भी तो समस्याएं आने लगी। तो इनका भी सॉल्यूशन ढूंढा गया होगा। क्या ये बात ठीक है या नहीं? यस, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा गया। और कॉमर्स से जुड़े, बिजनेस से जुड़े रूल्स आए,
यानी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे उन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रूल्स बनाए गए, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। तो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, कॉमर्स से जुड़े इन रूल्स को बनाया गया और इनकी भी एक रूल बुक तैयार कर ली गई। ठीक है जी, इनकी भी एक रूल बुक तैयार की गई और इसको भी क्या कर लिया गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसे भी पास करवाया गया। और जब कोई रूल बुक इस तरह से पार्लियामेंट में पास हो जाती है दोस्तों, तो हमने उसे क्या नाम देना है, एक्ट। ठीक बात है कि नहीं? और जाहिर सी बात है भाई, इस एक्ट का नाम भी उसी के काम से जुड़ा होगा, तो भाई नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये 1872 में पास हुआ दोस्तों, सन 1872 में। यस, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है ये, अंग्रेजों के जमाने का। और हमारा देश तो उस समय अंग्रेजों के कब्जे में था भाई, उनके गुलाम थे भाई हम। तो इसका मतलब कौन सी पार्लियामेंट में ये पास हुआ गा? जरूर ब्रिटिश पार्लियामेंट रही होगी, लोग तो ये सोचेंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे भाई हम। अरे नहीं भाई, नहीं, कब्जे में तो थे मगर पार्लियामेंट जो थी वो इंडिया की ही थी, चलाते कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो अगर ये एक्ट पास हुआ तो भाई इट वॉज पास्ड इन, कोई आपसे पूछ ले तो कौन सी पार्लियामेंट में पास हुआ, आप कहिएगा ये पास हुआ था जी इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है जी, इंडियन पार्लियामेंट में ये पास हुआ। ठीक है जी, अब ये एक्ट ना बहुत ही मोटा था, बहुत ही हेफ्टी, बहुत सारे पेजेस थे भाई इसमें। तो क्या किया गया, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सोचा गया कि कुछ हिस्सा इसका हल्का कर दिया जाए। तो 1930 में, सन 1930 में क्या किया गया, इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी गुड्स को बेचने से जुड़े जितने भी प्रोविजंस थे उन सबको अलग करके एक नया एक्ट बना दिया। कौन से प्रोविजंस अलग किए, गुड्स को बेचने से जुड़े, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारे सामने आ गया। कब, 1930 में। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जन्म कहां से हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही से तो निकला। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब ये कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट को रिपील किया गया कहां से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और एक नया एक्ट बना दिया गया। थोड़ा सा बोझ, थोड़ा सा बल्क, थोड़ी सी हेफ्टीनेस इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की घट गई। दो साल बाद सरकार फिर से जागी। हां, दो साल बाद, साल आ गया 1932 और 1932 में पार्टनरशिप से जुड़े हुए जितने भी प्रोविजंस इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे वो पार्टनरशिप से जुड़े प्रोविजंस इसमें से अलग कर दिए गए और एक नया एक्ट सामने आया और नाम था उसका पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बात समझ आई? तो भाई ये बात तय हुई कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली किसका पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो हम काम शुरू करने वाले हैं वो काम शुरू होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो दोस्तों आप इसे फटाफट से नोट करें और फिर हम चलेंगे इस एक्ट की शुरुआत पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस दिन ये एक्ट लागू हुआ था, वो दिन था 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट पास हुआ था। ये डेट ये पूछी जाती है एग्जाम में, आपको याद रहनी चाहिए 1 सितंबर 1872।
1872 पास कौन सी पार्लियामेंट में हुआ था? इंडियन पार्लियामेंट में, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जल्दी से जल्दी नोट करिए, फिर आज का काम हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी? नोट कर लीजिए दोस्तों इसे। तो भाई ये समझने की ही कहानी थी बस, कि जब कोई प्रॉब्लम निकलती है तो लॉज बनाए जाते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो, ठीक है ना? तो लॉ क्या है भाई? समाधान है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट? तो जिस तरह से हमने इस समस्या का समाधान किया, उसी तरह से कॉमर्स में भी समस्याएं जो आती रही उसका समाधान करने के लिए हमने ये सब रूल्स बनाए। ये सिस्टम याद रखिएगा, ये हर एक केस में अप्लाई होता है दोस्तों, हर एक केस में। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? यानी लॉज का बेस क्या है? कहीं ना कहीं से समस्याएं सामने आई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नए रूल्स बनाए गए, उन रूल्स को पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है, वो बन जाते हैं ये एक्ट, और उसका नाम उसी हिसाब से रखा जाता है भाई, ताकि उसके पहचान करने में उसको आसानी हो, ठीक है ना? नाम बता देगा आपको कि उस एक्ट का काम क्या है। जल्दी से जल्दी नोट करिए दोस्तों।